नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोसूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय की। आप जानते हैं प्रतिदिन इस चैनल में तरह तरह की वीडियो डाली जाती हैं, रेखी से संबंधित, धर्म से संबंधित, मानसिक तनाव से संबंधित, रोजाना एक उपाय डाला जाता है और बहुत कुछ इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योतिष से संबंधित कुछ नया, वो भी आप देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। 24 जनवरी 2020 का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। 24 जनवरी 2020, देखिए आज शुक्रवार है और शुक्रवार आज चांदी का दान मांग रहा है। यदि आप चांदी का कुछ भी छोटा सा चाहे आप नोज पिन ही दान कर सकें तो आपको बहुत लाभ होगा। और जो लोग चांदी दान नहीं कर सकते हैं वो चावल दान करें, दही दान करें, चावल, दही, चांदी कुछ भी दान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यदि आज थोड़ी बहुत चांदी दान करें, जो कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि विशेष प्रकार का योग बन रहा है जो आपको बहुत अधिक लाभ देगा। शुक्र है लग्जरी आइटम्स देते हैं। जिन लोगों के शुक्र बहुत उच्च के होते हैं उनको लग्जरी आइटम्स मिलती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, मोबाइल मिलेगा, बहुत बड़ा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। और जो बहुत उच्च के शुक्र के स्वामी होते हैं, सुंदर होते हैं, सुंदरता उनकी बढ़ जाती है, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, एक्टर बनते हैं, गायक बनते हैं, मॉडल बनते हैं, बिजनेस में बहुत नाम कमाते हैं, पति पत्नी का आपस में प्रेम बढ़ता है। जिनका शुक्र नीच हो जाता है, पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, जीवन साथी की टांगे दर्द होने लगती हैं। आपका शुक्र नीच है तो आपके जीवन साथी की टांगे दर्द होगी। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो खुद की होगी या माँ की होगी। तो ये सिम्टम्स हैं। कई बार क्या होता है कि पैर का या हाथों का अंगूठा दर्द होने लगता है, कई बार क्या होता है स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, डबल माइंडेड हो जाते हैं। जिन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स में से कोई प्रॉब्लम है वो दही का दान करके देख लें कुछ दिन। यदि उनको राहत मिले तो लगातार दही दान करें, उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी। जिन पति पत्नी में झगड़ा रहता है उनको चाहिए कि आप जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो दही से धोना शुरू करें और दही दान करना शुरू करें, कई बार इससे भी लाभ हो जाता है। जिन लोगों के मुंह पर बहुत मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, उनको भी दही दान करना चाहिए और प्राइवेट पार्ट्स दही से धोने चाहिए। इनसे काफ़ी लाभ मिलता है और शुक्र ठीक होने लगते हैं। तो आज आप ये कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। अब समय है राहु काल बताने का, तो आइए राहु काल के बारे में बात करते हैं। आज का राहु काल 11:13 से लेकर 12:33 तक राहु काल रहेगा। 11:13 AM to 12:33 PM तक राहु काल रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:11 PM to 12:54 PM, 12:11 से लेकर 12:54 तक। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपके जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी,
फालतू का मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।